हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑफिशियल प्रॉपर्टी कलाकार में। फिर से एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के साथ मथुरा के अंदर आज आपको देने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ ड्यूप्लेक्स विला, जिससे आप बोल सकते हैं दोस्तों, जिसे आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन के अंदर आज आपको मिलने वाला है, नियर GLA यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी मथुरा के अंदर बोल सकते हैं आप दोस्तों, हर कोई जानता है। उसके पास में आज आपको मिलने वाली है सोसाइटी, जो Gate 1 सोसाइटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सोसाइटी के अंदर दोस्तों आज आपको मिलने वाला है बहुत ही ब्यूटीफुल विला। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने ऑफिशियल प्रॉपर्टी कलाकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि ऐसी ही प्रॉपर्टी हमारे चैनल पे आपको अक्सर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हम आपको टूर कराते हैं अंदर का, वन बाई वन आपको बताते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं, क्या कितने बेडरूम हैं और कितना कार पार्किंग का स्पेस है, क्या क्या चीज़ें हैं हम आपको बताते हैं। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले हम एंटर करते हैं, ये हमारा मेन गेट है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेन गेट से जैसे आप एंटर करोगे दोस्तों, तो मेन गेट से एंटर करते ही सबसे पहले आपको एक ब्यूटीफुल कार पार्किंग का स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप काफ़ी अच्छी कार पार्किंग, आपको एक स्पेसफुल कार पार्किंग मिल जाती है, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से अपनी कोई भी छोटी से बड़ी कार पार्क कर सकते हैं इजिली। प्रॉपरली आप अंदर से गेट क्लोज करके आपकी कार पार्क हो जाएगी इजिली। यहाँ पे प्रॉपर आपका बारिश से, धूप से, हर एक चीज़ से बचने की प्रॉपर आपको कार की फैसिलिटी मिल जाती है। देन दोस्तों, उसके जस्ट बराबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रॉपरली एक स्पेस बना रखा है छोटा सा, जिसमें आप अपना कोई भी बेसिक सामान रख सकते हैं, आप शूज वगैरह, रैक वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक प्रॉपर स्पेस फुल यहाँ पे बना रखा है। अभी हम दोस्तों एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते हैं नीचे वाले पे, जो आपको दिखा देते हैं क्या क्या चीज आपको मिलने वाली है इस फ्लोर पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेके चलते हैं आपको ड्राइंग रूम में। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पे काफी स्पेस आपको मिल जाता है हर एक चीज के साथ में। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर लॉबी मिल जाती है, एल टाइप का सोफा आपको डला हुआ मिल जाता है, क्योंकि एक प्रॉपर स्पेस के साथ में। तो यहाँ पे अगर स्पेस हमारे पास में हो तो हम वहाँ पे अपना एल टाइप का, यू टाइप का कोई भी सोफा डाल सकते हैं, तो आपको प्रॉपर एक स्पेस मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे। देन उसके बराबर से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर एक एग्जॉस्ट है बाहर, यहाँ से भी एक एंट्रेंस गेट है जो कि आपको डायरेक्टली आपका लॉबी में जाता है, आपका बालकनी में। यहाँ से आप लॉबी से सीधा एंटर करके अपना बालकनी में जा सकते हैं। देन उसके बराबर में यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक विंडो एसी मिल जाता है इंस्टॉल, जो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन मिल जाता है प्रॉपर, आप यहाँ से खोल के भी आपका प्रॉपरली एयर आ जाता है, आपका धूप वगैरह प्रॉपर आपके अंदर घर में आ जाएगा। अभी हम दोस्तों आपको बताते हैं डाइनिंग एरिया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर डाइनिंग टेबल डाल रखा है, और ये चार लोगों को चार सीटिंग के साथ में आपको डाइनिंग टेबल मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा लुक दे रही है। जस्ट उसके बराबर में आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल एक यहाँ पे देख सकते हैं डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है मथुरा वृंदावन के अंदर आज आपको मिलने वाली है। तो वहां पे हमें एक पॉजिटिव चीज होती है कि हमारे अंदर हमारे घर पे किस टाइप की पेंटिंग लगी हुई है, किस टाइप का, तो एक प्रॉपर डिजाइन इस टाइप का किया गया है कि लोग यहाँ पे फील करें कि हम यहाँ पे वृंदावन मथुरा में रह रहे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वेव मिलती है। अभी हम दोस्तों आपको जस्ट बताते हैं, जस्ट जो लॉबी से अटैच आपको मिल जाता है यहाँ पे किचन, जो काफी स्पेसफुल किचन है, मॉड्यूलर किचन आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छी डिजाइन में बना हुआ, एक सॉफ्ट क्लोज के साथ में आपको मिल जाता है, जैसे अगर आप देख सकते हैं काफी स्पेसफुल आपको मिल जाता है यहाँ पे अपना स्टोरेज रखने के लिए, अपना सामान रखने के लिए, जो आपका सामान रहता है किचन वगैरह का, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे स्पेस मिल जाता है उसके साथ में। और जस्ट उसके साथ में आपको चिमनी मिल जाती है यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए, जैसे आप देख सकते हैं। और अगर आप देखें स्पेस की बात करें, तो आपको प्रॉपर एक स्पेसफुल यहाँ पे मिल जाता है प्रॉपर अंदर का, अगर स्पेस जाना है तो आपको बहुत ही अच्छा स्पेस अंदर मिल जाता है, आप कोई भी चीज यहाँ पे इजीली रख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको कोई भी चीज अगर खोल के दिखाऊं तो आपको प्रॉपर हर एक चीज स्पेसफुल मिल जाती है अंदर किचन के साथ में, तो एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे किचन आपको मिल जाता है। जस्ट उसके बराबर में यहाँ पे आपको एक फ्रीज का स्पेस दे रखा है, जो कि आप यहाँ पे लगा सकते हैं इजिली फ्रीज। अभी हम दोस्तों आपको लेके चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम, जो आज आपको होने वाला है, देख सकते हैं आप किस टाइप से बना हुआ है, किस डिजाइन का यूज किया गया है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा, काफी स्पेसफुल बेडरूम आपको मिल जाता है, और ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा, एक बहुत ही अच्छे स्पेस में बना हुआ ये बेडरूम आपको मिल जाता है। और दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है यहाँ पे, और उसके साथ में आपको यहाँ पे कर्टेन्स मिल जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इधर आपको कर्टेन्स मिल जाते हैं। जैसे उसके बराबर में जो आपका बाहर का व्यू मिलता है, जैसे आपका गेट का, तो वो इजी रहता है, बेडरूम से डायरेक्ट देख सकते हैं आपके गेट पे कौन आया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से भी एडजस्ट मिल जाता है, एज वेल एज आप जैसे एंटर करोगे तो लॉबी से भी आपको एडजस्ट मिल जाता है। अभी इसके साथ में दोस्तों आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है,
जो कि काफी स्पेसफुल वॉशरूम है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी गीजर लगा हुआ है, गीजर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, देख सकते हैं आपको। आपको प्रॉपर यहाँ पे प्लम्बर का जो यूज किया गया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे पानी, मीठा पानी आपको मिलने वाला है, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में हर एक चीज का यूज किया गया है। वॉशरूम के अंदर भी आपको फैन इंस्टॉल्ड है, जैसे आप देख सकते हैं। ये जरूरत की चीज है, जैसे अगर हमें अंदर वॉशरूम वगैरह में कभी सफोकेशन वगैरह होता है, तो उसके लिए आपको फैन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके साथ में आपको यहाँ पे भी एक स्पेस मिल जाता है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों बेडरूम के साथ में जो आपको बालकनी जो स्पेस मिलने वाला है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। काफी अच्छा स्पेस आपको मिलने वाला है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रॉपर स्पेस के साथ में आपको विला मिलने वाला है। हर एक तरफ से आपको प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी घुटन का, कोई भी बंद कोई चीज का कोई वो नहीं है। प्रॉपर आपको एयर मिलेगा, प्रॉपर आपको धूप मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास में प्रॉपर एक, अगर हम बात करें अपने पूरे, अगर वॉक अराउंड करें तो हमारे घर के आसपास में प्रॉपर आपको एक स्पेस मिलता है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं 3 फीट 3.5 फीट का आपको प्रॉपरली एक स्पेस मिल जाता है, और जो कि बहुत ही अच्छा हमें लुक देता है यहाँ पे स्पेस को। तो अगर आप नॉर्मल वॉक करना चाहते हैं अपने घर के अंदर भी, एक नॉर्मल सा वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे अपने गमले वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें, जैसे आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा ग्रीन एरिया मिल जाता है आपके घर के आसपास में। तो बहुत ही अच्छी वेव है यहाँ का, बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत शांत माहौल है। ये न्यू कंस्ट्रक्शन है, अभी चल रहा है, डे बाई डे यहाँ पे विलास बन रहे हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो जो आज हम उसको विला देने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा विला है और बहुत ही अच्छी रेटों में आपको हर एक चीज आपको इसके अंदर हम बताने वाले हैं। अब हम दोस्तों आपको नीचे का स्पेस हमने बता दिया है। तो दोस्तों भैया, अभी हम आपको लेके चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे जो आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये 3 बेडरूम के साथ में मिलने वाला है। एक बेडरूम लॉबी आपको नीचे मिल गया, किचन आपको मिल गया, एक वॉशरूम मिल गया वहां पे अटैच आपको, क्योंकि फुल फर्निश्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम सेकंड फ्लोर पे लेके चलते हैं, वहां पे आपको 2 बेडरूम मिलने वाले हैं, 2 वॉशरूम मिलने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हैं। अभी आप दोस्तों हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे। सबसे पहले हम एंटर करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम, जो कि ऊपर से फर्स्ट है, नीचे से सेकंड बेडरूम आप बोल सकते हैं। ये हमारा सेकंड बेडरूम दोस्तों, जो आपको मिलने वाला है बहुत ही अच्छे स्पेस में, हर एक चीज की फिनिशिंग के साथ में दोस्तों। बेड आपको इंस्टॉल है इसमें, बेड के साइड में साइड रैक आपको मिल जाती है। यहाँ पे अपर साइड आपको फैन मिल जाता है, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन मिल जाता है। और अगर हम दोस्तों बात करें फिनिशिंग की, तो बहुत ही अच्छे लुक में बनाया गया है। अगर आप देखें तो दोस्तों ऐसा एक होटल के लुक में बनाया गया, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है हमें, क्योंकि घर की जो फिनिशिंग की गई है, घर का जो एरिया है और घर की जो डिजाइन है, वो बहुत ही अच्छे लुक में बनाई गई है दोस्तों। अभी हम आपको दिखाते हैं कि स्पेस जो आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है, 2 आपको अलमीरा के साथ में दोस्तों। ये सेकेंड बेडरूम है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली आप देख सकते हैं मेकअप का आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप तैयार वगैरह हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर चेंजिंग रूम आप बोल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये बिल्कुल लॉक हो गया है, और ये प्रॉपर लेडीज वगैरह होते हैं, जेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि हमें पूरा रूम बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर उनको चेंज करना है, कोई शादी फंक्शन वगैरह है, कोई प्रोग्राम होता है, तो लेडीज यहाँ पे 4 से 5 लेडीज आराम से खड़ी होकर अपना तैयार हो सकते हैं। प्रॉपर आपको यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में अलमीरा प्रॉपर बनाई गई है, प्रॉपर वुड का यूज किया गया है, एज वेल एज आपको यहाँ पे मिरर भी मिल जाता है, बहुत ही अच्छा मिरर का है यहाँ पे। तो हर एक चीज की प्रॉपर यूज किया गया है दोस्तों, स्पेस भी है, और एज वेल एज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको क्रॉस वेंटिलेशन नहीं मिलता है, यहाँ पे भी आपको प्रॉपरली देख सकते हैं, एयर मिल जाता है। अगर आप मान लीजिए लाइट का नहीं यूज करना चाहते, तो यहाँ से आप खिड़की भी खोल सकते हैं, जो की बाहर का बहुत ही अच्छा लुक देता है। अभी हम दोस्तों लेके चलते हैं सेकेंड बेडरूम के अटैच वॉशरूम में। तो दोस्तों जैसे आपको दिखा सकते हैं, सेकंड बेडरूम का जो वॉशरूम है, वो भी काफी अच्छे लुक में बनाया गया है। आप हर एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको गीजर मिल जाता है प्रॉपर इंस्टॉल, फैन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, एज वेल एज यहाँ पे प्रॉपर इटालियन टाइल्स का यूज किया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ में बनाया गया है वॉशरूम।
जो स्पेस होना चाहिए वो इनफ स्पेस यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे भी आपको एडजस्ट मिल जाता है सेम, इधर अगर हम गेट के पीछे देखें तो आपको प्रॉपर एडजस्ट मिल जाता है। अगर हम बात करें तो प्रॉपर आपको एडजस्ट क्रॉस वेंटिलेशन हर एक जगह से आपको बहुत ही अच्छी, एयर का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, धूप का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो हर एक चीज आपको फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे भी आपको एक स्पेस मिल जाता है दोस्तों बालकनी का, यहाँ पे भी आपको प्रॉपर बालकनी मिल जाती है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं सेकंड बेडरूम की साइड आपको लेके चलते हैं, जो कि सेकंड बेडरूम किस टाइप का होने वाला है और क्या क्या चीज आपको मिलने वाली है। ये है आपका थर्ड बेडरूम, ऊपर से सेकंड, नीचे से थर्ड बेडरूम आप इसको बोल सकते हैं। तो ये भी काफी स्पेस में बनाया हुआ है दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों जो मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको तीन बेडरूम मिलने वाले हैं पूरे घर के अंदर, और तीनों बेडरूम में अटैच लेटरिन वॉशरूम है, जो कि बहुत ही अच्छा है। किसी को अपने प्राइवेट में कोई भी वॉशरूम लेटरिन को किसी का कोई पर्सनल यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, आप अपना यूज कर सकते हैं। हर एक बेडरूम में प्रॉपर आपको फिनिशिंग के साथ में वॉशरूम अटैच मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको बेड मिल जाता है, साइड में आपको यहाँ पे वुड का काम मिल जाता है, साइड में आपके साइड टेबल मिल जाती है, एज वेल एज आपको यहाँ पे सामने टीवी का जो स्टैंड मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर एक वुड का यूज किया गया है, यहाँ पे अपना टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको एसी मिल जाता है दोस्तों। तो एसी जो हम आपको बताएं, यहाँ पे आपको दो एसी मिलने वाले हैं इसके अंदर, एक नीचे एक ऊपर। उस वाले बेडरूम में आपको एसी इंस्टॉल खुद कराना पड़ेगा, इसमें आपको मिल रहा है। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा खास आपको प्रॉपर यहाँ पे स्पेस मिल जाता है आपका बालकनी का, जो कि बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू आपको बाहर का मिल जाता है यहाँ से। अभी मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ जो वॉशरूम है, इससे भी अटैच वॉशरूम है। अगर इसको बात करें तो ये थोड़ा सा और उससे भी थोड़ा सा स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाता है जो वॉशरूम है। यहाँ पे भी आपको सारी चीज मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको गीजर मिल जाता है इंस्टॉल, यहाँ पे भी आपको इटालियन टाइल्स मिल जाती है, हर एक चीज प्रॉपर फिनिशिंग, ये चीज काफी अच्छी बनाई है। यहाँ पे आपको प्रॉपर पत्थर का यूज किया गया है, तो यहाँ पे आप कोई भी अपनी चीज रख सकते हैं, कोई भी सामान रख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एडजस्ट मिल जाता है प्रॉपर, देख सकते हैं आपको। तो यहाँ पे प्रॉपर एयर का पूरा ध्यान रखा गया है, हर एक जगह से आपको कोई भी सफोकेशन, कोई भी घुटन टाइप का नहीं होने वाला है दोस्तों। हर एक चीज आपको फिनिशिंग के साथ में मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आप बात करता हूँ उसकी मोर फैसिलिटी की, जो आपको इसके अंदर मिलने वाली है, क्या क्या चीजें हैं जो अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अभी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले जो सोसाइटी है इसका अगर हम बात करें, ये आपको मिलने वाला है वृंदापुरम, जो कि जीएलए के पास में यूनिवर्सिटी है, उसके पास में ये सोसाइटी है। ये आपको विला ड्यूप्लेक्स मिलने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको दोनों फैसिलिटी मिलने वाली है, एमबीडी अप्रूव एज वेल एज नगर निगम अप्रूव भी आपको मिलने वाला है। लोकेशन की बात करें तो बहुत ही अच्छी लोकेशन, पॉश लोकेशन आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 15-16 फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे रह रही है, 50-60 फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे रहने लग गई है। तो यहाँ पे डे बाई डे डेवलप हो रहा है, और डे बाई डे यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट है डे बाई डे बढ़ रही है अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्पेस में आपको हर एक चीज मिल जाती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं सबसे फेमस चीज जो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा प्रेम मंदिर का क्या डिस्टेंस है यहाँ से, बांके बिहारी का क्या डिस्टेंस है हम, क्योंकि जो लोग मथुरा वृंदावन में ऑब्वियसली रहेंगे उन लोगों को वृंदावन का जाना आना डेली रहता है, क्योंकि वृंदावन के अंदर दोस्तों इतना क्राउड रहता है कि लोग एक्साइटेड इतना रहते हैं कि वो लोग जाने को पसंद बहुत करते हैं। तो हम अगर दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं जो प्रेम मंदिर का जो डिस्टेंस होने वाला है वो यहाँ से 6 किलोमीटर का आपको प्रेम मंदिर का डिस्टेंस आपको मिल जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें बांके बिहारी का, बांके बिहारी आपको 8 किलोमीटर का डिस्टेंस मिल जाता है, और प्रेम मंदिर 6 किलोमीटर लमसम इतना आपको पड़ जाएगा, क्योंकि ऑन NH2 पे ही आपको सोसाइटी मिलने वाली है जीएलए के पास में। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसका एरिया कितना है, तो इसका जो एरिया होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो एरिया है वो 72 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ, ये पूरा घर है 72 स्क्वायर यार्ड में, 72 गज में बना हुआ। इसकी जो फेसिंग है वो वेस्ट फेसिंग आपको मिलने वाली है, 2 साइड ओपन है प्रॉपर्टी ये। और दोस्तों बात करें इसका फ्रंट का, तो आपको जो फ्रंट इसको मिलने वाला है वो 17 का आपको फ्रंट मिलने वाला है, एंड इसकी डीप्थ जो होने वाली है वो 35 की इसकी डीप्थ होने वाली है जो आपको मिलने वाली है। अब हम दोस्तों बात करते हैं बेडरूम में, आपको बता चुका हूँ 3 बेडरूम है, अटैच लेटरिन वॉशरूम आपको मिल जाता है इसके अंदर, एक आपको किचन मिल जाता है, 3 वॉशरूम मिल जाते हैं। और रोड का अगर हम बात करें तो आपको 60 फीट का रोड मिलने वाला है दोस्तों। फैसिलिटी की बात करें तो दोस्तों 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है।
तो अब दोस्तों बात करें आपको प्रॉपरली, आपको यहाँ पे मैंने बता चुका हूँ कार पार्किंग आपको मिलने वाली है, जो आपके घर के अंदर होने वाली है वो भी आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। बैकअप का प्रॉपर आपको मिलने वाला है, प्रॉपर आपको इलेक्ट्रिसिटी बैकअप मिलने वाला है। और हम दोस्तों बात करें तो ये प्रॉपरली एक इंडिपेंडेंस आपका घर है, यहाँ पे आपको प्रॉपर जमीन से जुड़ा हुआ आपको प्रॉपर पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं स्कूल क्या है इसके पास में, तो एक आपको रोमैक्स इंटरनेशनल स्कूल मिल जाता है इसके पास में, एक डीपीएस स्कूल मिल जाता है, डीपीएस पब्लिक स्कूल आपको मिल जाता है इसके पास में। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों कि जीएलए के पास में है, तो यहाँ पे इतना ऑलरेडी क्राउड इतना है कि लोगों को यहाँ पे पास में इतना डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि जीएलए यूनिवर्सिटी वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी है। दोस्तों ये 42 लाख रुपीज आपको 42 लाख रुपए में बना हुआ विला ड्यूप्लेक्स 3 बेडरूम के साथ में आज आपको मिलने वाला है दोस्तों। टोटली नेगोशिएबल प्राइस है, 1% जीएसटी है दोस्तों जो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा जब आप ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो नेगोशिएबल प्राइस है दोस्तों, जब आप आते हो तो विजिट करते हो, ऑन द टेबल जो भी डील रहेगा हम डील करेंगे और दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें। दोस्तों इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी हो तो कॉल करें हमें, और अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए हो मथुरा वृंदावन के अंदर दोस्तों तो हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें। ऐसी प्रॉपर्टी हमें आपको दिलाने के लिए बहुत ही अच्छे रेटों में आपको मथुरा वृंदावन के अंदर दिला सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड या अदर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो कॉल करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।